गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कंटिन्यू फिफ्थ चैप्टर. ओपन द पेज नंबर 55. प्रॉपर्टीज ऑफ एचईएफ्स एंड एलसीएम. एचईएफ्स और एलसीएम की प्रॉपर्टीज. फर्स्ट पॉइंट इज, टू नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम इफ देयर एचईएफ्स इज वन. क्या बोला कि यदि एचईएफ्स वन है तो दो नंबर्स को प्राइम नंबर्स कहा जाता है. सेकेंड पॉइंट इज, द एलसीएम ऑफ टू को प्राइम नंबर्स इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट. टू को प्राइम नंबर्स का एलसीएम उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है. क्लियर. फर्स्ट पॉइंट क्या था कि अगर एचईएफ्स वन है तो टू नंबर्स को प्राइम कहा जाता है. सेकेंड पॉइंट क्या है कि टू को प्राइम नंबर्स का एलसीएम उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है. ओके. थर्ड पॉइंट इज, इफ वन नंबर इज फैक्टर ऑफ द अदर नंबर. यदि एक नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर है, देन द एचईएफ्स इज द स्मॉलर नंबर. तब एचईएफ्स स्मॉलर नंबर होगा एंड देयर एलसीएम इज द लार्जेस्ट नंबर. और उनका एलसीएम क्या होगा? लार्ज नंबर होगा. फोर पॉइंट, प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एचईएफ्स एंड एलसीएम. टू गिवन नंबर्स के जो प्रोडक्ट हैं वो एचईएफ्स और एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल हैं. ओके. सी हियर, एलसीएम ऑफ टू गिवन नंबर्स, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर अपॉन एचईएफ्स ऑफ द गिवन नंबर. ये एलसीएम टू गिवन नंबर्स का जो एलसीएम उसको फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला है. ठीक है. एग्जाम्पल, फर्स्ट फाइंड द एचईएफ्स एंड एलसीएम ऑफ 270 एंड 450. एचईएफ्स ऑफ 270 एंड 450 को फाइंड करने के लिए क्या किया, इसने डिवाइड किया है. ठीक है. 270 क्या है? स्मॉल नंबर है. ठीक है. तो ये हमारा क्या हुआ? डिवाइजर हुआ. और 450 क्या है? लार्ज नंबर है, इसलिए ये क्या होगा? डिविडेंड होगा. ओके. तो डिविडेंड को 450 को 270 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना आएगा? 180 आएगा. ठीक है. तो 180 हमारा क्या हो जाएगा? जो रिमाइंडर आया वो हमारा डिवाइजर हो जाएगा. और जो पहला वाला हमारा डिवाइजर था, ओल्ड डिवाइजर था, वो हमारा न्यू डिविडेंड हो जाएगा. ठीक है. ऐसे कंटिन्यू जब तक हमारा रिमाइंडर जीरो नहीं आता है, आपको इस प्रोसेस को रिपीट करनी है. ओके. नाउ टर्न योर पेज नंबर 56. एचईएफ्स कितना आया? 90 आया. ओके. नाउ एलसीएम फाइंड करने के लिए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अपॉन एचईएफ्स. टू नंबर्स प्रोडक्ट क्या है? 270 एंड 450. ठीक है. इनटू किया अपॉन 90. एलसीएम कितना फाइंड हुआ? 1350. ओके. एग्जांपल सेकंड, द एचईएफ्स ऑफ टू नंबर्स इज 12. टू नंबर्स का एचईएफ 12 है. ओके. एंड देयर एलसीएम इज 180. और उनका एलसीएम 180 है. इफ वन ऑफ द नंबर इज 36, अगर उनमें से एक नंबर 36 है, फाइंड द अदर नंबर. तो जो सेकेंड नंबर है दूसरा, उसे फाइंड करना है. एचईएफ क्या है? 12 है. ठीक है. एलसीएम कितना गिवन है? 180. वन नंबर 36. तो फॉर्मूला यूज करोगे यहाँ, अदर नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स या एचईएफ्स इनटू एलसीएम अपॉन में वन नंबर जो 36 है. ठीक है. सॉल्व करोगे 60 आ जाएगा आपका सेकेंड नंबर, अदर नंबर. एग्जांपल थर्ड, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल बी डिवाइड 24 एंड 56 विदाउट लीविंग अ रिमाइंडर. क्या बोल रहे हैं कि ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करो जो 24, 56 से डिवाइड हो जाए विदाउट लीविंग रिमाइंडर, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचे. ठीक है. सॉल्यूशन, द ग्रेटेस्ट नंबर डैट विल बी डिवाइड 24 एंड 56 एग्जैक्टली इज देयर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर और एचईएफ्स. ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए आप डिवाइड करोगे. ठीक है. डिवाइड किया तो कितना आया? हैंस द ग्रेटेस्ट नंबर डैट विल बी डिवाइड 24 एंड 56 इज 8. जो 8 है वो 24 और 56 को क्या करेगा? डिवाइड करेगा. ओके. एग्जाम्पल 4, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर
which divides 165, 245 and 325 leaving 5 as a remainder. ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है, ठीक है, जो 165, 245 एंड 3251 को क्या करे, डिवाइड करे, ठीक है, लीविंग 5 एज अ रिमाइंडर. जो 5 है पहले आप क्या करोगे, इनमें सब में क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, ठीक है, माइनस करके फिर क्या करोगे, उनका एचसीएफ्स फाइंड करोगे आप. एग्जाम्पल 5th भी आप देख लेना, एग्जाम्पल 6th, एग्जाम्पल 7, ठीक है. मैं अब आपको एक्सरसाइज 5E बता रही हूँ. फिल इन द ब्लैंक्स. ए नंबर द प्रोडक्ट ऑफ द एचसीएफ्स एंड एलसीएम ऑफ 8 एंड 28 इज 224. आप क्या करोगे, इन दोनों को इंटू कर दोगे, ठीक है. 88 जा 64, 64 का 4 ये आ गया, ठीक है, 6 कैरीज आएगी. 82 जा 16, 16 में आप 6 ऐड करोगे, ठीक है, तो 224 आ जाएगा. सेम बी नंबर भी, द प्रोडक्ट ऑफ द एचसीएफ्स एंड एलसीएम ऑफ 6 एंड 26 इज 156. इंटू करना है, ओके, दोनों का आप इंटू कर देना. सी नंबर, द एचसीएफ्स ऑफ टू नंबर्स इज 1 एंड देयर एलसीएम इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, आर द नंबर्स कोप्राइम? यस. डी नंबर, द एलसीएम ऑफ टू कोप्राइम नंबर्स इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट. टू कोप्राइम नंबर्स के एलसीएम है वो किसके इक्वल होते हैं, अपने प्रोडक्ट के, ठीक है. ई नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 112. इफ द एचसीएफ इज 2, द एलसीएम इज, अगर एचसीएफ 2 है, ठीक है, टू नंबर्स का प्रोडक्ट 112 है, तो एचसीएफ इतना है 2 है, तो एलसीएम कितना होगा, 56, ओके. नाउ कम टू पेज नंबर 59. 59 पेज नंबर पे क्या, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 756 एंड देयर एचसीएफ इज 6, व्हाट इज देयर एलसीएम? टू नंबर्स का प्रोडक्ट 756 है, ठीक है, एचसीएफ 6 है, तो एलसीएम कितना होगा. सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कितना था, 756, ठीक है. एचसीएफ कितना गिवन है, 6. फाइंड क्या करना है, एलसीएम, ओके. तो एलसीएम फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अपॉन एचसीएफ. फॉर्मूला पुट किया, ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कितना है, 756, एचसीएफ कितना गिवन है, 6, ओके, 756 अपॉन 6. अब आप क्या करोगे, इसे डिवाइड करोगे, ठीक है, डिवाइड करने पर कितना आएगा, 126 आएगा, ओके. आप यहाँ साइड पे डिवाइड करके देख सकते हो, यहाँ 756 डिवाइड बाय 6, 6 वन जा 6, माइनस किया 1 आया, ठीक है, 5 यहाँ आया, 6 थ्री जा 6, 2 जा सॉरी 12, ठीक है, माइनस किया 5 माइनस 2 3 आया, 110 हो गया, 6 यहाँ आया 36, 6 जा 36, ये पूरा क्या हो गया, डिवाइड हो गया, ठीक है.